रही हूँ 50 लोगों के लिए छोला। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। और मैं हूँ पूजा। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे आज बहुत सारे पतीले निकले हुए हैं जिनमें मिट्टी से अच्छे से पुताई कर दी गई है जिससे ये जले ना, और साथ में बहुत सारा चीज़ें छत पे आ चुकी हैं। और ये देखिए, ये दोनों लोग भी लगे हुए हैं। तो आज बनने वाला है छोले की सब्जी, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि आज घर में प्रभु को याद करने का मन बना लिया है हम लोगों ने। तो बस आज होंगे कीर्तन भजन, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आज बना रही हूँ 50 लोगों के लिए सब्जी है। और ये टमाटर कट गए हैं, ये मैंने मसालों को गला दिया था। धनिया पाउडर है और भी इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, उसको मैंने गला दिया था। आलू भी उधर उबल गई है, छिल गई है। मटर छोला भी हो गया है, अब बस तेल भी गर्म हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जीरा, लौंग और ये अब डालेंगे मिर्ची, मिर्ची का पेस्ट। और ये सब्जी बिना लहसुन प्याज की बन रही है। यहाँ पे ये डाल दिया अदरक, वो है ढक्कन, कुछ उड़ा नहीं। और ये जो मैंने कटोरी ली है ना, इसमें धनिया की, धनिया का पाउडर, हल्दी, नमक और कुछ खड़े मसाले और साथ में गरम मसाला जो घर पे बनता है, वो सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। और सब्जी बिना लहसुन प्याज की है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमें मसाले ज़्यादा ऐड करने हैं, धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करना है। तो बस, और इसमें मैंने बाज़ार के कोई भी ऐसे मसाले नहीं डाले हैं जो हम लोग रेडीमेड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी इसी ऑयल में, जिससे ये अच्छे से पक जाए। और उसके बाद इसमें टमाटर डलेगा। और पता है, जब चूल्हे में खाना बनता है ना, तो बहुत प्रॉपर टेम्परेचर रहता है क्योंकि चारों तरफ से इस पर बहुत अच्छी सी आंच लगती है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मसाला पक गया है और मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सब्जी पूरी एक गंजा बननी है इसलिए। और जब हम प्याज डालते हैं ना कभी छोलों में, तो फिर उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब लगता है। इसमें ऑयल बहुत कम ही मैंने यूज़ किया है। और मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ नमक, जिससे ये अच्छे से टमाटर भी गल जाए और मसाला बहुत प्रॉपर पकेगा, इसलिए इसको मैं ढक दूँगी। ग्रेवी बहुत अच्छे से मैश हो गई है, टमाटर का पता ही नहीं चल रहा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप टमाटर को पीस के डालिए, देखिए बहुत अच्छे से टमाटर मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए छोला, जिसको मैं बढ़िया से भून लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें एक अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जिससे छोला बहुत थिक फील होगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना कि बिना प्याज के छोला क्या है, लेकिन बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, मैंने क्या किया है, आलूओं को अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। तो कुछ आलूओं को मम्मी कट कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ, कुछ को मैश कर रही हूँ। तो ये जो मैं मैश किया हुआ आलू इसमें डालूंगी ना, तो ये ग्रेवी को थिक कर देगा और ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो थोड़े से आपको 4-5 आलू ऐसे करके डाल देने हैं और बहुत अच्छे से सब्जी को चला देना है। जब ये बढ़िया से भुन जाए तो फिर इसमें आलू डाल दीजिए और आलू डालने के बाद पानी डाल दीजिए। तो इस तरीके से छोला बहुत अच्छा बनता है। और आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हो ना, तो आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, घर पर भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो छोला तो बहुत ही यम्मी बना था, क्योंकि एडिटिंग बहुत बाद में हो रही है। तो बस अब ये देखिए, अब ये मेरे बस का नहीं रहा, तो मैंने इनको बुला लिया कि इसको थोड़ा सा आप चला दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अब मेहनत लेने लगा था। तो बस ये इसको चला देंगे। और इसमें अब फाइनल चीज़ डालनी है, पानी। तो पानी जो छोले को पकाने से जो पानी बचता है, पहले उसको डालेंगे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बॉयल पानी भी रखा है, उसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इधर पापा जी भी लगे हुए हैं, धनिया पत्ती साफ़ कर रहे हैं। तो सब सारे लोग सारा काम इधर उधर में लग जाते हैं ना, तो काम को पता ही नहीं चलता है। और सब के सब कुछ ना कुछ काम में बिजी ही है,
कोई खाली नहीं बैठा हुआ था। तो ये देखिए इसमें डल गया है पानी और ये छोले बन जाएंगे और उसके बाद फिर चावल, दाल, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। और आज कीर्तन बहुत खास होने वाली है, आज हमारे यहाँ कीर्तन है तो कीर्तन होने वाली है क्योंकि घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए कीर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी पर अचानक से ही अब ये हुआ कि नहीं, घर पर कीर्तन हो जानी चाहिए, पॉजिटिव वेब्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसलिए कीर्तन की तैयारी हो रही है। अब ये सारे लोग नीचे आ गए हैं और मैं भी आ गई थी चूल्हे में उसको टंगा के, क्योंकि वो पकता रहेगा और चूल्हा भी गर्म हो जाएगा प्रॉपर ना, तो उसके बाद उसमें दाल और चावल बहुत अच्छे से बनेगा। तो बस अब ये देखिए सारे लोग, सारा अंदर का सामान बाहर चला गया बालकनी में। बालकनी में कर्टन्स लग गए हैं तो बहुत सुंदर बालकनी लग रही है मेरी। और यहाँ पर देखिए अच्छे से सारे सोफे वोफे बाहर आ गए हैं, तो कुछ लोग यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ कीर्तन करने वाले अंदर रहेंगे। तो बस उसी की सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, सब अपना अपना दिमाग बता रहे हैं कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बस वही हो रहा है। और ये देखिए ऊपर में मौसी लोग भी आ गई हैं, तो ये सारा आटा वाटा लगा के रख देंगी क्योंकि फिर आटा लग जाएगा और जब पूड़ियाँ गरम गरम जब सब खाएंगे तब बन जाएंगी। तो बस ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं और नीचे भी सब लगे हुए हैं। अब कीर्तन स्टार्ट होने वाली और आप लोग ये कीर्तन ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। Thank you.
जब जब इस धरती पर आते हैं एक विशेष जिस तरीके से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र और ये सारे मंत्र होते हैं, वैसे ही अष्टाक्षरी मंत्र भी, बाबा नाम केवलम भी एक अष्टाक्षरी मंत्र है। और आप लोगों को ये कीर्तन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने ऐसी कीर्तन नहीं सुनी थी तो एक बार ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमने नहीं सुनी। और आप लोग सुनिए, बहुत अच्छे कीर्तन है। आप चाहेंगे तो मैं कीर्तन का भी वीडियो एक डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।